हेलो एवरीवन, मैं रजत कुमार पारिक फ्रॉम हॉलीडे प्लानर। एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉलीडे प्लानर के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पे। तो जैसा कि अभी यूए गवर्नमेंट से गुड न्यूज भी आ रही है रेगुलर बेसिस पे, जिसके अंदर जो बेसिकली जो गुड न्यूज आ रही है वो है दुबई इमिग्रेशन की तरफ से। तो जैसा कि अभी दुबई इमिग्रेशन है, उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि अगर आपके पास रेजिडेंट वीजा या वर्क वीजा या स्टूडेंट वीजा अगर आपके पास है तो आप ट्रेवल कर पाएंगे दुबई के लिए। ये अभी जो इन्फॉर्मेशन है ये ओनली फॉर जो दुबई इमिग्रेशन है उन्होंने दी है। बाकी के जो इमिग्रेशन है जैसे कि शारजा हो गया, अबू धाबी हो गया, रसल खेमा हो गया, यहाँ से कोई भी इन्फॉर्मेशन आई नहीं है। तो जैसा कि अभी यूए गवर्नमेंट के अंदर जैसे कि जो दुबई इमिग्रेशन है वहां से इन्फॉर्मेशन आई है कि आपके पास अगर वैलिड वीजा है तो आप यूए के लिए आप ट्रेवल कर पाएंगे, मीन्स की दुबई के लिए। इसके अंदर आपको जो वैक्सीनेशन का जो इन्होंने पहले बताया था कि अगर आप वैक्सीनेटेड है तो ही आप ट्रेवल कर पाएंगे, तो दुबई ने जो ये अपने जो रूल्स थे वो अभी चेंज कर दिए हैं। अगर आपके वैक्सीन नहीं लगी हुई है तो भी आप ट्रेवल कर पाएंगे दुबई के लिए। और इसके साथ में आपको जो कैरी करना रहेगा वो आरटीपीसीआर की जो रिपोर्ट है वो आपको कैरी करनी रहेगी, जो कि 48 आवर्स की होनी चाहिए वैलिड। और उसके अलावा जो दुबई गवर्नमेंट है, जो दुबई इमिग्रेशन है, उन्होंने ये भी बता दिया है कि जिन जिनके दुबई के जो वीजाज हैं जिनके एक्सपायर हो गए हैं वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो गए हैं 9th December तक के लिए। तो जब भी आप यूएई के लिए आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको जीडीआरएफ का अप्रूवल, कोविड रिपोर्ट आपको लेके जानी है, उसके साथ में आपका जो वीजा है वो आपको चेक करना रहेगा जो दुबई गवर्नमेंट की जो दुबई इमिग्रेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको चेक करना रहेगा। थैंक यू।